गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में संयुक्त प्रेस वार्ता में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा एवं सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान एक इंडिगो कार यूपी संख्या 52U3300 घसीकटरा की तरफ से बख्शीपुर चौराहे पर पहुंची। जब वाहन को पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो चालक बड़ी तेजी से बख्शीपुर चौराहे की तरफ भागने लगा। शंका होने पर पुलिस ने जब पीछा किया तो सड़क जाम होने के कारण चौराहे से करीब कुछ दूरी पर इंडिका कार समेत वाहन चालक और उसमें बैठे दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। तलाशी में दो बोरी गांजा के साथ ही उनके पास से 8,100 रुपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र दीनानाथ जायसवाल निवासी आज़ाद नगर बिछिया कैंप थाना शाहपुर, अशोक कुमार जायसवाल पुत्र गोपाल प्रसाद जायसवाल निवासी सिंधी कॉलोनी निकट काली मंदिर जनपद देवरिया का रहने वाले हैं। साथ ही अजीत सिंह पुत्र चंदमणि सिंह निवासी अलगपुर पोस्ट घघसरा बाजार सहजनवा जनपद गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उपर्युक्त अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा एवं सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, जाने जाने और क्या करते हो और लोग इलाके का मसूर दुकानदार शक्तिमान कह सकते हैं। एनडीपीएस से संबंधित अवैध तस्करी के संबंध में सबको गिरफ्तार किया गया है। विगत रात ये थाना कोतवाली क्षेत्र में इन सब के कब्जे से 16.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है चार पहिए की। 8100 रुपया ये नगद। दो गोरखपुर के निवासी हैं, एक देवरिया के निवासी हैं। इन सब का एक संगठित ये गिरोह है और इनका अपराध भी है। इसी जनपद के चिलुआताल थाने से भी ये सब वांछित हैं और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इनके गिरोह के संबंध में खलीलाबाद में भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है। तो एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण में इसमें आज गांजा बरामद हुआ है, इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए हैं ये गांजा नेपाल से तथा बिहार के सीतामढ़ी मधुबनी कटिहार अपनी सुविधाओं के अनुसार ले आते हैं और गांव में देहातों में शहरों में कस्बे घूम करके जो इनके लोग इस बिक्री करने में लिप्त हैं उनको ये देते हैं। उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है, पहचान की जा रही, उनके खिलाफ भी विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसकी अभी अनुमानित कीमत जो हमारे यहाँ है वो करीब 2 लाख रुपए की यहाँ की गई है। फिर भी इसकी ये महंगा है, इसकी कीमत कम से कम देसी बाजार में 4 लाख रुपए से कम। ये जो है थाना चिलुआ ताल से भी अशोक जायसवाल राजू जायसवाल दोनों वांछित हैं। इसके पहले इनके गिरोह के कुछ सदस्य NCB नेशनल कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक सेल के लोगों द्वारा पकड़ा गया था। 2 क्विंटल 70 kg गांजा, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, मौके से फरार हो चुके थे, उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उनके पास से ये इंडिगो गाड़ी 16.5 किलो गांजा 8100 रुपये नकद